नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभाकर विक्रम। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल FM ज्ञान पे, जहां पर हम और आप फाइनेंशियल एंड मार्केटिंग रिलेटेड टॉपिक पे बात करते हैं। आज की इस टॉपिक में हम वीडियो में बात करने वाले येस बैंक से लेके एक रिलेटेड जो बड़ी न्यूज़ आ रही थी कल रात में, उस पर हमने अभी वीडियो नहीं बनाया था, उसको लेके हम यहाँ पर अपडेट करने वाले हैं। क्या है वो बड़ी न्यूज़ यहाँ पर येस बैंक को लेके? अगर मैं जैसा कि शुरू से मैं बता रहा था, यहाँ पर 14 से लेके 16 के रेंज में ये ट्रेड होते हमें देखने को मिलेगा लगातार एक दो वीक में, और यही स्थिति हमें लगातार देखने को मिल रही है। नेक्स्ट टारगेट जो 30 का आप लोग बात कर रहे हैं, चाहे वो AGM डेट की बात कर रहे हैं, चाहे जितने यूट्यूबर बात कर रहे हैं, चाहे किसी का भी एनालिसिस हो, उस पर भी हम बात करेंगे कि नेक्स्ट AGM यानी कि 10 सितंबर के पहले 30 का टारगेट अचीव होते हुए हमें देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और क्या क्या सारी चीज़ें हैं इस वीडियो में अभी हम देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, और इस वीक का भी हम आगे के लिए एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूँगा। अगर आप हमारी बंधन बैंक के बारे में कंप्लीट स्टडी देखना चाहते हैं, तो उस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन दोनों जहाँ दे दूंगा, आप उस पर देख सकते हैं, ताकि अगर आप उसमें निवेश करना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको भी एक क्लियर कट आइडिया हो जाए कि कैसा बैंक है ये और क्या टारगेट आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसी के साथ अभी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं येस बैंक में। पहले मैं आज यहाँ पर आपको दिखाऊंगा जो फ्राइडे के टाइम में सिनेरियो चल रहा है, मार्केट जब बंद हुआ है कैसा सिनेरियो रहा है येस बैंक को लेके, और यहाँ पर हम बात करेंगे जो बड़ी न्यूज़ आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद इस वीक का मैं एनालिसिस करूँगा, जिसके बाद उस एनालिसिस के हिसाब से मैं बताऊँगा जो अगला टारगेट 30 की बातें हो रही हैं वो असलियत में अचीव हो सकता है या नहीं हो सकता, और कब तक अचीव हो सकता है। अगर आप 30 के हिसाब से निवेश कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं आप AGM तक पा जाएंगे 30 का टारगेट, तो क्या ये सही भी बात है कि नहीं है, तो इसको आज हम इस पूरी वीडियो में समझेंगे। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, बट वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको चीज़ें जो भी हैं यहाँ पर समझ में आएंगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर NSE की वेबसाइट पर लेके आता हूँ, आप मेरा स्क्रीन पर डाटा देख सकते हैं। येस बैंक की अगर मैं बात करूँ, फ्राइडे को 15.10 रुपये पर क्लोज हुआ है। उसके पहले अगर मैं बात करूं जो ओपन प्राइस थी 15.10 रुपये था, उसके पहले प्रीवियस क्लोज जो था 14.70 रुपये था, आप देख सकते हैं, और हाई इसने लिया था 15.40 रुपये के करीब, लो लिया था 14.90 रुपये के करीब। तो आप देख सकते हैं जो क्लोजिंग है और जो ओपन प्राइस है यहाँ पर येस बैंक की उस दिन की सेम है, यानी कि ओपन भी 15.10 रुपये पे हुआ था, क्लोज भी 15.10 रुपये पे ही हुआ। अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं सिक्योरिटी वाइज जो डिलीवरी की मैं बात करूँ उस दिन की, तो आप देख सकते हैं 27 करोड़ क्वांटिटी यहाँ पर ट्रेडेड दिखा रही है वॉल्यूम में, और डिलीवरेबल क्वांटिटी की मैं बात करूँ तो 10 करोड़ से ज़्यादा क्वांटिटी में डिलीवरी हुई है, यानी कि अगर परसेंटेज की हम बात करें तो 37% निकल के आ रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा परसेंटेज दिखा रहा है। अब यहाँ पर ये समझने वाली, इतनी बड़ी डिलीवरी ली गई है अभी भी फ्राइडे को उसके बावजूद, तो चलिए अभी हम उस पर भी बात करेंगे जो डिलीवरी है यहाँ पर और क्या एनालिसिस है। यहाँ पर मैं आपको लेके आ रहा हूँ दूसरी जो न्यूज़ आ रही थी उसके बारे में। ये आप अगर BSE की वेबसाइट पे जाते हैं, येस बैंक खोलेंगे गेट कोट में जाके, जैसे कि मैंने अभी NSE से खोल रखा था येस बैंक, अगर आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे जाके खोलते हैं, अनाउंसमेंट में आपको येस बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग है वो मिल जाएगी, उसकी PDF मिल जाएगी, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है, और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज का एड्रेस डला हुआ है BSE लिमिटेड के लिए, ये यहाँ पर एक आया था मेल। अगर हम बात करें क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की, क्रिसिल की बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट डिपॉजिट की, चाहे मैं बात करूँ यहाँ पर इसको करंट रेटिंग A2 से रिवाइज रेटिंग A2+ कर दी गई, यानी कि रेटिंग बढ़ा दी गई। अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड की बात करूँ तो BBB स्टेबल से इसकी भी रेटिंग बढ़ा के BBB स्टेबल रीअफर्म कर दी गई है, इसकी भी रेटिंग बढ़ा दी गई है। ऐसे ही मैं अगर Tier 2 बॉन्ड्स की बात करूं तो इसकी भी रेटिंग बढ़ती हुई हमें देखने को मिली है। अब यहां पर दूसरी रेटिंग एजेंसी, अगर मैं इंडिया रेटिंग की बात करता हूं, तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड और चाहे वो Basel III Tier 2 बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, तो दोनों की ही रेटिंग B+ और BB से BBB स्टेबल कर दी गई है। अगर B और BBB में हम कंपेयर करें, BBB इज़ मच अप्रिशिएटेड, ज़्यादा अच्छी रेटिंग यहाँ पर हम समझ सकते हैं, अगर आपको रेटिंग के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो कि किस हिसाब से रेटिंग की क्राइटेरिया चलती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सारी चीज़ों की, इनकी रेटिंग बढ़ती हुई देखने को मिली, उसका एक मेन रीज़न था कि लगातार येस बैंक की तरफ से जो भी स्टेप उठाए जा रहे थे यहाँ पर उनके NPA को कम करने के लिए, उनके लॉसेस को कम करने के लिए, और आगे कैसे इसे विजनरी मूव करना है ताकि प्रॉफिट में रहे येस बैंक, वापस से ऐसी चीज़ें हमें येस बैंक के अंदर ना देखने को मिले। और यहाँ पर लगातार जो स्टेप आ रहे थे, मूडीज़ का भी यहाँ पर एक इनका स्टेटमेंट निकल के आया था, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, अगर आपने देखा होगा,
और उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से क्रेडिट रेटिंग रिवाइज होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि यहाँ पर वही चीज़ बताती है जो कि मूडीज ने भी पहले इसके बारे में बताया था। अगर आप इस पूरे पीडीएफ को देखेंगे तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जो रेटिंग का नीचे आपको दिया भी हुआ है डिस्क्रिप्शन में, सारी चीज़ें रेटिंग के बारे में दिया हुआ है आप देख सकते हैं पीडीएफ के अगर अगले अगले पेजेस पे जाएंगे कि कौन सी रेटिंग का मतलब क्या होता है, कब रिवाइज हुई है, कैसे हुई है और मेन रीज़न क्या है उनका, क्योंकि इनके जो स्टेप थे वो कैसे गए। तो ये था यहाँ पर देखने वाली चीज़। अब अगर मैं बात करूँ पिछले वीक की, तो फिर से आपने देखा होगा जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था 13 रुपये अगर मिनिमम लो पे हम जाते हैं, जो कि इस वीक में नहीं गया था लास्ट वीक में, बट जो 13 रुपये का 14 रुपये का रेंज है नीचे की साइड में, और अपर साइड में अगर मैं बात करूँ 16 से 17 रुपये के बीच में ये साइकिल मैंने कहा था लगातार हमें देखने को मिलेगी। इसमें फ़र्क बस इतना रहेगा जो छोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं वो यहाँ पर कुछ अलग हाइप में जाते हैं, उन्हें लगता है कि मैं इतने पे बाय कर लूँगा, इतने पे सेल कर दूंगा, बट वापस से जैसे ही यहाँ पर 5% का लो और 5% का अपर सर्किट देखने को लगातार मिलता आया इसमें काफ़ी दिनों तक, तो यहाँ पर वो पैनिक होते हैं और बाइंग जो भी उन्होंने कर रखी होती है वो अपनी सारी पोजीशन छोड़ देते हैं, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं लॉस में भी। यहाँ पर समझने वाली बात यही है, अभी भी यही साइकिल 1-2 हफ्ते या 3 हफ्ते मैक्सिमम मैं कहना चाहूँगा 3 हफ्ते तक अभी हमें ये साइकिल फिर से देखने को मिल सकती है, अगर कोई बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ना निकल के आए तो यही साइकिल हमें देखने को मिलेगी जिसमें ऑपरेटर का खेल होता रहेगा। वो यहाँ पर उन्हें पता है कि हमें इस फिक्स पॉइंट पे बाय करना है, इस फिक्स पॉइंट पे सेल करना है, भले वो 1 रुपये का चेंज हो लेकिन उनकी जो क्वांटिटी होती है डिलीवरी उठाने की वो बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं मंडे के दिन के हिसाब से, मंडे के दिन इसे अपर सर्किट में देखने को चांसेस ज़्यादा हैं, तो अगर आप खरीदना चाहते हैं आप खरीद सकते हैं, बट मैं बोलूँगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जाना चाह रहे हैं तो अच्छी बात होगी, क्योंकि जो ये 30 की टारगेट की बात हो रही है ये अचीव हो सकता है, बट अभी एजीएम तक भी नहीं अचीव होगा। एजीएम में अगर कोई बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव न्यूज़ आती हैं, कोई पॉजिटिव डिसीजन आते हैं, उसके बाद चांसेस शायद 30 को टच करे उसके 1-3 डेज के बीच में, अगर वो भी नहीं होता है तो ये मान के चलिए अगले 6-7 महीने तक इसे इतना रेजिस्टेंस और लगातार ग्रो करना होगा तब ये 30 पे टच करेगा। ऐसा नहीं होता है कोई भी शेयर कि अगर वो लगातार 2-3 हफ्ते तक 15-16 कर रहा है एकदम से एक बैग 30 रुपये जाने का मतलब नहीं होता है, क्योंकि उस शेयर के लिए 30 रुपये भी बड़ी चीज़ होती है। लेकिन अगर यहीं पर मैं रिलायंस की बात करूँ, वो आज मान लीजिए 1500 गिर जाता है तो वो वापस 2000 पे एक महीने या एक हफ्ते के अंदर भी कम बैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो उस सर्किट तक पहुँचा है। बट यस बैंक की अगर मैं बात करूँ, फंडामेंटल की बात करें, लगातार जो पिछले वीक के चार्ट आप देखेंगे, जब भी इसने हाई लिया लगातार 2 यहाँ पर हमें लोअर कैंडल देखने को मिली है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सेलिंग हुई। अगर आप अगस्त का डाटा उठा के देखेंगे भी, पूरे अगस्त आप NSE पे डाटा ले सकते हैं किस दिन कितनी ट्रेडिंग हुई है, तो आपको खुद ये चीज़ ऑब्जर्व होगी। और 2 के बाद जब ये तीसरी बात होती है, तो अगर मैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो जो लॉ ऑफ ऑब्जर्वेशन कहता है उसके हिसाब से अगर अब ये तीसरी बार हमें देखने को मिलेगा तो चांसेस हैं ये अपने रेजिस्टेंस को तोड़ेगा और आगे जा सकता है। बट अभी 1-2 हफ्ते हमें यही साइकिल देखने को मिलेगी, तो अगर अभी आप निवेश करने वाले हैं तो ये आपको डिसीजन लेना है कि आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म के हिसाब से आप करना चाह रहे हैं। आप जो हमारी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि अगली हमारी वीडियो